दोस्तों आप सभी का एक न्यू वीडियो पर स्वागत है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से आप इंस्टाग्राम पर किसी के भी स्टोरी को अपने स्टोरी पर लगा सकते हो। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर में आपको जो भी स्टोरी दिख रहा है इंस्टाग्राम पर, आप इन स्टोरी को अपने स्टोरी पर किस तरह से डाल सकते हो, यानी कि इन स्टोरी को आप अपने स्टोरी पर किस तरह से शेयर कर सकते हो। तो दोस्तों चलिए आपको सारा प्रोसेस बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं, तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इंस्टाग्राम पर किसी के भी स्टोरी को अपने स्टोरी पर लगाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो चलिए मैं अपने इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने अपने इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। तो इसी तरह से सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, और जैसे आप इंस्टाग्राम को ओपन करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर में आपको स्टोरी यहाँ पर दिख रहा है। आपके कॉन्टैक्ट में जितने भी लोग होंगे इंस्टाग्राम पर, सबका स्टोरी ऊपर में आपको दिख जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इसके बाद आपको क्या करना है, आप इंस्टाग्राम पर जिसके भी स्टोरी को अपने स्टोरी पर लगाना चाहते हो आपको उसके स्टोरी पर जाना है। तो चलिए मैं आपको कोई भी स्टोरी को अपने स्टोरी पर लगा के दिखाता हूँ। तो चलिए मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, मैं आपको इसी स्टोरी को अपने स्टोरी पर लगा के दिखाऊंगा। तो चलिए मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो चलिए मैं इसको लगा के दिखाता हूँ, ठीक है, ये जो आपको स्टोरी दिख रहा है मैं आपको इसी स्टोरी को अपने स्टोरी पर लगा के दिखाता हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप जिसके भी स्टोरी को अपने स्टोरी पर लगाना चाहते हो आपको उसके स्टोरी पर जाना है, और उसके स्टोरी पर जाने के बाद यहाँ पर आपको सारा स्टोरी यहाँ पर दिख जाएगा। तो इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख पाओगे स्टोरी के नीचे आपको शेयर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो आपको यहाँ पर शेयर वाले लोगों पर क्लिक करना है, और जैसे आप शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो इसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, और यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे आपको बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख पाओगे नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कॉपी लिंक का, यहाँ पर आप देख पाओगे। तो आपको यहाँ पर कॉपी लिंक पर क्लिक करना है, और आपको यहाँ पर स्टोरी का लिंक कॉपी कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा कॉपी हो चुका है। तो इसी तरह से आपको लिंक कॉपी कर लेना है स्टोरी का, और स्टोरी का लिंक कॉपी करने के बाद आपको यहाँ से बैक आना है। इस तरह से आपको अपने होम पेज पर आ जाना है, और होम पेज पर आने के बाद आपको अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। तो चलिए मैं अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लिया है। तो इसी तरह से सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, और क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र के सर्च बॉक्स में जाना है। इस तरह से आपको सर्च बॉक्स में आ जाना है, और यहाँ पर आपको टाइप करना है इंस्टाग्राम स्टोरी डाउनलोड, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे यहाँ पर आ चुका है इंस्टाग्राम स्टोरी डाउनलोड। तो इसी तरह से आपको टाइप कर देना है, और इसके बाद आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है। इस तरह से आपको सर्च कर लेना है, और जैसे आप सर्च कर लोगे तो यहाँ पर आप देख पाओगे आपके सामने बहुत सारा वेबसाइट यहाँ पर आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सबसे पहले नंबर पर जो वेबसाइट देखने को मिलेगा आपको उसी वेबसाइट को ओपन करना है। तो चलिए मैं इस वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर वेबसाइट को ओपन कर लिया है। तो इसी तरह से सबसे पहले आपको वेबसाइट को ओपन कर लेना है, और जैसे आप वेबसाइट को ओपन करोगे तो यहाँ पर आप देख पाओगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा इस वेबसाइट का। और यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर में लिखा हुआ है storysaver.net, ये जो वेबसाइट है इस वेबसाइट का यही नाम है, ठीक है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, आपने जो इंस्टाग्राम स्टोरी का लिंक कॉपी किया था आपको उस लिंक के थ्रू उस इंस्टाग्राम स्टोरी को सबसे पहले डाउनलोड करना है, और इसके बाद आपको अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर उसको शेयर करना है, ठीक है। तो आपको डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, आपको यहाँ से नीचे आना है, और यहाँ पर आप देख पाओगे नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है डाउनलोड इंस्टाग्राम स्टोरीज, यानी कि आप यहां से इंस्टाग्राम स्टोरी को डाउनलोड कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, नीचे यहां पर बॉक्स में लिखा हुआ है एंटर इंस्टाग्राम अकाउंट यूजर नेम, यानी कि आपको यहां पर यूजर नेम डालने का ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन आपको यूजर नेम यहां पर नहीं डालना है। आपने जो इंस्टाग्राम स्टोरी का लिंक कॉपी किया था आपको उस लिंक को यहाँ पर डाल देना है। इस तरह से आपको पेस्ट कर देना है, और इसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड का, आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है। और जैसे आप डाउनलोड पर क्लिक करोगे तो इसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे थोड़ा लोडिंग लेगा, और इसके बाद नीचे यहाँ पर कैप्चा फिल करने का ऑप्शन मिल रहा है। तो आपको यहाँ पर आई एम नॉट ए रोबोट को टिक कर देना है, इस तरह से आपको टिक कर देना है, और इसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे वेरीफाई हो रहा है, ठीक है। और लोडिंग लेने के बाद यहाँ पर आप देख पाओगे आपने जिस भी अकाउंट का स्टोरी का लिंक यहाँ पर डाला होगा उस अकाउंट का स्टोरी यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले इंस्टाग्राम अकाउंट का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, और यहाँ पर प्रोफाइल लोगो भी यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। मैंने आपको इसी अकाउंट का स्टोरी को दिखाया था, इसी अकाउंट का स्टोरी का लिंक कॉपी किया था, तो यहाँ पर अकाउंट दिख रहा है, और नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कितना स्टोरी इस अकाउंट पर है। जैसे इस अकाउंट पर 4 स्टोरी लगा हुआ है
तो नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है 4 स्टोरेज, यानी कि उस अकाउंट पर 4 स्टोरी लगा हुआ है, तो नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है। और जितना भी स्टोरी है नीचे आपको सारा स्टोरी यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने आपको इस स्टोरी को इंस्टाग्राम पर दिखाया था, यहाँ पर आप देख सकते हो स्टोरी यहाँ पर दिख रहा है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, आप जिस भी स्टोरी को अपने स्टोरी पर लगाना चाहते हो उस स्टोरी को आपको यहाँ से डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा सेव एज वीडियो, यहाँ पर आप देख पाओगे, तो आपको यहाँ पर सेव एज वीडियो पर क्लिक करना है। और जैसे आप सेव एज वीडियो पर क्लिक करोगे तो इसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे इंस्टाग्राम स्टोरी यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा 3 डॉट का, आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है। और इसके बाद ऊपर में आपको ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड का, यहाँ पर आप देख पाओगे, तो आपको यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करना है। और जैसे आप डाउनलोड पर क्लिक करोगे तो ऊपर में आप देख सकते हो स्टोरी यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, ऊपर में आप देख सकते हो। और थोड़ा टाइम में स्टोरी डाउनलोड हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है। तो इसी तरह से आपका भी स्टोरी यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद आपको वहाँ से बैक आना है, इस तरह से आपको यहाँ से बैक आ जाना है। और इसके बाद फिर से आपको अपने इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो चलिए मैं अपने इंस्टाग्राम को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने अपने इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। तो इसी तरह से आपको अपने इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। और इंस्टाग्राम को ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर में आपको ऑप्शन मिलेगा योर स्टोरी का, और यहाँ पर आपका प्रोफाइल लोगो दिख जाएगा, तो आपको यहाँ पर योर स्टोरी पर क्लिक करना है। और जैसे आप योर स्टोरी पर क्लिक करोगे तो इसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे आपके फ़ोन का गैलरी यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो इसके बाद आपको क्या करना है, आपने जो इंस्टाग्राम स्टोरी को डाउनलोड किया था आपको उस स्टोरी यहाँ पर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने आपको इसी स्टोरी को डाउनलोड करके दिखाया था, यहाँ पर आप देख पाओगे स्टोरी यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से आपने जो स्टोरी को डाउनलोड किया था आपका स्टोरी यहाँ पर आ जाएगा। और अगर आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो आपको यहाँ पर वीडियो वाले सेक्शन में जाना है, आपको यहाँ पर वीडियो वाले सेक्शन में स्टोरी मिल जाएगा। तो इसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर स्टोरी को सेलेक्ट करना है, इस तरह से आपको स्टोरी पर क्लिक करना है। और जैसे आप स्टोरी पर क्लिक करोगे तो इसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे स्टोरी यहाँ पर आ चुका है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा योर स्टोरीज का, यहाँ पर आप देख पाओगे, तो आपको यहाँ पर योर स्टोरीज पर क्लिक करना है। और जैसे आप योर स्टोरी पर क्लिक करोगे तो इसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे स्टोरी यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने आपको इसी स्टोरी को दिखाया था, यहाँ पर आप देख पाओगे ये स्टोरी मेरे स्टोरी पर लग चुका है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने आपको इनके आईडी का स्टोरी दिखाया था, यहाँ पर आप लाइव देख सकते हो, यहाँ पर आपको स्टोरी दिख रहा होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो यही स्टोरी है। और यहाँ पर आप देख पाओगे यही स्टोरी मेरे आईडी पर भी लग चुका है, ठीक है, यहाँ पर आप देख पाओगे लाइव प्रूफ। तो दोस्तों यही प्रोसेस था, मैंने आपको इस वीडियो में सारी चीज़ लाइव प्रूफ दिखा दिया है कि किस तरह से आपको इंस्टाग्राम पर दूसरे का स्टोरी अपने स्टोरी पर लगाना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो को देखकर आप भी इंस्टाग्राम से किसी का भी स्टोरी अपने स्टोरी पर लगाना सीख गए होंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर न्यू आ रहे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।